बजे घर आए हैं, घर के इस बार 7 बजे फिर फोन की है थाने में। सर कुछ नहीं, 86 56 पूछताछ के लिए इकसठ है जीरो और इसके बाद हम अभी 7 बजे छोड़ देंगे, आप घर सीधे जाइए। ऐसे मोबाइल दिखाइए, कोई टेंशन नहीं है, आप सीधे घर जाइए। फिर हम काफी रात तक वहाँ थे, फिर 4 बजे घर आए हैं, घर के इसके बाद 7 बजे फिर फोन किए थाने में कि भाई कैसे क्या बात है। रेखन गौतम, अच्छा ये बताइए कि जो आपके पति को उठा लिया, किन आरोपों में उठा लिया, क्यों ऐसा किया? मुझे ही खाना लेकर जाते हो, बदमाशों का सहयोग करते हो। पूरी बात बताइए, जैसे हमें बताया था। खाना लेकर जाते हो, बदमाशों का सहयोग करते हो और उन लोग का पूरा मदद करते हो। क्या वो खाना लेकर सही थे? नहीं जाते हैं, खाना लेकर नहीं जाते हैं ना, ना बदमाश खाना लेकर जाते हैं। यहाँ से ले बुलाए हैं और कहते हैं कि तुम लोग का सहयोग करते हैं, 216 केस लगाए हैं, यहाँ घर से उठाए, लेकिन यही बोले हैं कि मतलब उनको जंगल से पकड़े हैं, खाना लेकर जा रहे थे और यहाँ घर आए थे 10:30 बजे आए हैं और बुला करके बाहर मतलब जैसे छिप गुप्त रूप में खड़े थे चारों तरफ घर के, चारों तरफ खड़े थे। और इसके बाद बुलाए हैं, मैं ससुर जी पूछे पिताजी कि भाई कौन है आवाज़ यहाँ कर रहे हैं, तो फिर बोले कि मतलब हम लोग हैं। निकल के जब बाहर गए देखे तो कहे क्या है भाई, तो कहे नहीं आपके यहाँ से फ़ोन गया है कि यहाँ बदमाश से यहाँ गोली चल रही है, मतलब थोड़ा सा उन ठहरने की अपनी जगह बनाए कि डर। फिर कहा गौतम जी को बुला दो, गौतम जी गए सो रहे थे, सो कर गए बाहर लोअर टी शर्ट में, तो ये भाग कुछ न पूछे न ताने कुछ भी नहीं किए, डायरेक्ट उठा बैठा लिए गाड़ी में लेकर चले गए, गाड़ी में लेकर चले गए। और फिर जाके वहाँ गए, फिर हम लोग को मतलब पिताजी हमारे बताए कि मतलब उसको उठा लेकर, कोई किसी को जानकारी नहीं थी, वो बूढ़े थे बेचारे, यहीं लेटे थे। तो एक चीज़ जानना चाहते हैं, अरे बस तुम्हारे परिवार को गायब कर देंगे बाहर, एनकाउंटर करने तक की धमकी दिए हैं। तो अब ऐसा क्या आ गया कि पुलिस ने उल्टा ही जेल भेज दिया आप लोग? अब ये हमारे समझ में नहीं आ रहा, हम तो लगा कल तक हमको यही था, बाहर बैठे थे सब लोग कि मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं है और साहब आ रहे हैं, फिर डायरेक्ट ये कर दिए कि चलान बना दिए। जब चलान का कागज बन गया तो हम लोग को पता चला कि चलान कैसे बन गया। तो अब अभी तक ये था कि भाई हम लोग को भी है कि हम अब हम सहयोग लें तो किसकी लें, जंगल वालों के लिए कि बाजार वालों के लिए? कि आप लोग हम खुल गए, कितना खतरा कितना डर है अब हम लोग को, इतना खतरा है कि अब जाएं तो जाएं कहां, बाहर जाते हैं तो पुलिस का भी खतरा है, पुलिस भी परेशान करती है, जिला तो परेशान ही करती है, एसटीएफ वाले सबसे ज्यादा खतरा है और जंगल वालों से तरफ से तो खतरा ही खतरा है। हाँ तो किस तरीके से आपके भाई को पुलिस ने उठाया? पुलिस वाले हमारे घर के चारों तरफ से आए करीब 10:30 बजे रात में और उनको फोन में बुलवा कर यहाँ से ले गए, बोले कि हम चलो वहाँ तक नदी तक चलते हैं, इसके बाद हम तुमको छोड़ देंगे। इसके बाद हम लोग उनके साथ गए पीछे पीछे, तो हमको मिलने नहीं दे रहे थे, मिलने के अलावा उनको जो है परेशान कर रहे थे वहाँ, हम लोगों को गाली गाली वाली दे रहे थे, न चाय देने देते थे, न पानी देने देते थे, परेशान कर रहे थे और न खाना दिए कल दिन भर उनको। तो क्यों ऐसे पुलिस ने क्यों किया, क्यों उठाया? पुलिस बोलती है कि वो ऐसा करिए कि 2 दिन के अंदर हमको लॉलेस और बबली चाहिए। बताइए पब्लिक की अगर इतनी बड़ी क्षमता होती तो लॉलेस और बबली जिंदा रहते, हम लोग तो अपने बच्चे नहीं पाल पा रहे हैं, लॉलेस और बबली को कैसे हम मार सकते हैं? किसने ये कहा था कि 2 दिन चाहिए? ये SP और DIG और कोतवाल साहब बोल रहे थे सर। तो नहीं दिया तो? नहीं दिए तो हमारे भाई साहब को उठा के और जेल भेज दिए। तो आप पुलिस क्यों आपसे उम्मीद रखती है? आप लोग बिना हथियार के हैं, वो लोग हथियार लिए रहते फिर भी आप लोग से कह रहे? वो दबाव के कारण हमको जो है परेशान कर रहे हैं। तो क्या आप लोग डकैतों से ताल्लुकात रखते हो क्या? हम लोग कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं, न कोई मतलब रखते हैं, लेकिन तब भी हम लोगों को जबरदस्ती कह रहे हैं कि मार मार के कह रहे हैं कि ऐसा करिए आप लोग। तो अच्छा आपके भाई और आप लोग आपका जो परिवार है वो मुखबिरी कब से कर रहे थे? ये मुखबिरी हम लोग जबरदस्ती हम लोगों से करवाया जा रहा था 1 साल से, मार कभी उठा के बंद कर देते थे, कभी कुछ करते थे, कभी 12 बजे रात बुलाते थे, कभी 10 बजे रात बुलाते थे, कभी 4 बजे रात, कभी दिन में, कभी रात में, बस इनके यही पुलिस वालों के यही काम था। तो अब कितना खतरा हो गया है आप लोग? अब तो हम लोगों के लिए खतरा इतना बड़ा हो गया कि परिवार हम नहीं बचा सकते हैं, जिंदगी हमारी खतरे में इतने ज्यादा हो गई कि जिसका हाथ नहीं है। तो किस तरीके से खतरा नजर आ रहा है आपको? हमको बदमाश की तरफ से खतरा, पुलिस का खतरा तो सामने हो गया, लेकिन बदमाश का तो हमारा परिवार पूरा फूंक देंगे अगर। तो क्या डर बना रहता? डर क्या बना रहता? डर ये है कि हम किसी तरह जो है अपना बचाव कर रहे हैं, डर ये है कि आ जाएंगे तो हम लोगों को सबको मार के खत्म कर देंगे पूरा परिवार सहित। क्या नाम है आपका? देवकांत गौतम। अच्छा
थाना से डकैत को देते जा रहा था, आरोप लगाया, गिरफ्तार किया, क्या मामला, क्या कार्रवाई की? उसमें जो उनका एक शरणदाता है और किसी तरह उनको सप्लाई करता है, उसकी सूचना मिली थी, उसको कल जो है मानिकपुर में अरेस्ट किया गया है और खाना कपड़ा पहुंचाते जाते जाया कर रहा था। तो बेसिकली ऐसे लोग जो इनसे जुड़े हैं, जो इस तरह का सपोर्ट सप्लाई उसको कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं या अन्य सुविधाएँ दे रहे हैं या उसके लिए मुखबिरी कर रहे हैं पुलिस के मूवमेंट का, ऐसे लोगों पे हम लोग निगाह रखे हुए हैं, ऐसे सभी लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो गिरफ्तार कहाँ किया? मानिकपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार। फिर एक चीज़ और निकल कर सामने आ रही है कि जो गिरफ्तार हुआ है वो कभी पुलिस के लिए मुखबिरी करता था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पुलिस के लिए मुखबिरी नहीं करता। सर उसके पास प्रशस्ति पत्र भी उसके पास मिला है? प्रशस्ति हो सकता है, तमाम चीज़ें लोग करते हैं इस तरह की, लेकिन जो साक्ष्य मिले हैं वो स्पष्ट है कि उसकी उनसे बात होती थी, उनसे गैंग से बात भी करता था, गैंग के लोगों से और संपर्क में बोली दे सकता। एक तरफ पूरे प्रदेश में योगी सरकार का मिशन क्लीन चल रहा है डकैतों के सफाए के लिए, लेकिन दूसरी ओर चित्रकूट जिले में एक ऐसा वाक्या सामने आया है जहां पे मुखबिर को ही पुलिस ने जेल के अंदर कर दिया है। ये ताजा मामला चित्रकूट जिले से मानिकपुर क्षेत्र का है, जो निही गांव जो लगातार कई महीनों तक सुर्खियों में रहा, एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी इस गांव में नजदीक में, और यही इस गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जो लगातार कई वर्षों से पुलिस के लिए कार्य कर रहा था और पुलिस ने प्रशस्ति पत्र भी दिया था अच्छे कार्य के लिए। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन से कारण रहे, ऐसे कौन सी चुनौतियां रही कि पुलिस को अपने ही व्यक्ति को जेल के पीछे भेजना पड़ा, ये बड़ा प्रश्न है। दृश्य देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे दर्जनों महिलाएं बैठी हैं, घर की महिलाएं भी हैं और गांव की महिलाएं भी हैं, लोगों के अंदर दहशत है, लोगों को अब ये लग रहा है कि जिस तरीके से मुखबिर व्यक्ति को पता नहीं होता कि मुखबिर कौन है, क्योंकि उस व्यक्ति की पहचान छिपाई जाती है, लेकिन जिस तरीके से सामने आ गया है, तो इसके बाद अब ये सवाल है कि आखिर इनकी जान की रक्षा कौन करेगा, क्योंकि इनको अब दोनों तरफ से खतरा हो चुका है, पुलिस से खतरा है इनको, क्योंकि इनके जो व्यक्ति हैं उनको जेल भेज दिया गया, और डकैतों से भी खतरा है क्योंकि ये गांव एक संवेदनशील गांव है, डकैतों का गढ़ माना जाने वाला गांव है। चित्रकूट से सहारा समय के लिए ब्यूरो जर्नलिस्ट राकेश कुमार के साथ अनुज हनमत की रिपोर्ट।